देखिए आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कैसे अपन मोबाइल फोन से ये जान सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बंद हुआ या नहीं। यानी कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे राशन कार्ड को बंद कर दिया जा रहा है। यानी कि अभी बिहार में लगभग बात करें तो 28 लाख राशन कार्ड को बंद कर दिया गया है। वही बात करते हैं जिला की, तो जिला में लगभग हर जिले से 80,000 या 90,000 के करीब में राशन कार्ड को बंद किए जा रहे हैं। तो आप ये बात करते हैं कि आखिर इन सब राशन कार्ड बंद क्यों हो रहे हैं? तो बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसके लायक है नहीं, फिर भी अनाज जाकर के ले रहे हैं। तो आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि हम इसके लायक है या नहीं? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या तो आपको इंड स्क्रीन में भी शो हो जाएंगे। चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ बहुत सारे लोगों को तक शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे ही दैनिक जीवन से जुड़ी आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। देखिए इसके लिए सिंपली आप अपने मोबाइल फोन के गूगल को ओपन कीजिएगा, ये देख सकते हैं गूगल सिंपली ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है ध्यान से देखिएगा, AEPDS सिंपली आपको इस तरीके से सर्च कर देना है। AEPDS बिहार भी सर्च कर सकते हैं, या तो आप कहीं और से है तो उसके बाद मान के चले आप यूपी से है तो AEPDS यूपी, अगर बिहार से है तो AEPDS बिहार लिख दीजिएगा। सिंपली ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर AEPDS बिहार का एक ऑफिशियल पोर्टल खुल गया है। तो सिंपली इस वाले पर क्लिक करना होगा पहले, तो क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे, तो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेट स्लो चल रहे हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए इधर में आपको RC डिटेल्स दिख जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं RC डिटेल्स, सिंपली आपको RC डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ तरह से पेज ओपन हो जाएंगे जिसमें कि आपको हम जूम करते हैं। यहाँ पर आपको RC नंबर डालना होता है। ये RC नंबर क्या होता है? तो आपके जो राशन कार्ड होते हैं उसके ऊपर देखिएगा आपको RC नंबर लिखे होते हैं, या तो सेकेंड पेज में भी लिखे होते हैं। सिंपली उसको आप 15 मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अंक होते हैं उसमें, ज़्यादा जीरो होता है, 15-16 अंक का होता है, सिंपली यहाँ पर आपको डालना होता है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको RC नंबर डाल देना है। RC नंबर डाल देने के बाद सीधा आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपको किस महीने किस कितना अनाज दिया जाता है। अगर मान के चलिए इस महीने जो व्यक्ति ने अनाज ले उठाया उसका यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में विवरण दिया होता है। हम आपको क्या किया कि प्राइवेसी के कारण हम ढक दिए, ताकि इसमें क्या होता है कि कार्डधारी के सारे विवरण रहते हैं, इसी कारण आपको प्राइवेसी के कारण ढक दिए। तो आपको यहाँ पर नीचे में क्या मिल जाएंगे, जो इस बार जाकर अनाज उठाए उसका विवरण मिल जाएंगे। तो समझिए हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, अगर आप वहां पर जैसे कि आप RC नंबर डालते हैं और वहां पर ये पेज नहीं होता है, अगर पेज ओपन भी होता है तो उसमें आपको लिखा होगा कि आपके राशन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाता है यानी कि आपका राशन कार्ड बंद नहीं हुआ है। ऊपर में आपके सारे परिवार में कितने लोग ऐड है वो आपको यहाँ पर ऊपर में बता देता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बताता है ऊपर में, और नीचे में क्या बताता है कि इस मंथ यानी कि इस बार आप जाकर के अनाज उठाए हैं तो कौन से व्यक्ति ने जाकर वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा करके अनाज बैठा है वो उठाता है, बताता है। यानी कि आप ये अगर ये आप चेक करेंगे कि आपको अनाज कितना मिलता है तो आप एक तय बात ये भी होगा कि आप जाकर के सही अनाज भी ले सकते हैं। यानी कि आपको मान के चलिए 5 किलो गेहूं देना है तो आप रियल में जाकर वहां से 5 किलो लीजिए। अगर यहाँ पर 5 किलो शो हो रहा है तो वहां पर जाकर के आप 5 किलो ही लीजिएगा, और यहाँ पर रेट वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो ये आपको सिर्फ यही चेक करना है कि आपको अनाज कितना मिलता है, तो उसी तरीके से आपको ये मालूम चल जाएंगे कि आखिर आपका राशन कार्ड बंद हुआ या नहीं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।